ना ज़बरदस्त कलर उतना ज़बरदस्त बनाए। आप लोगों ने ज़रूर बनाना और मुझे बताना है आपको कैसे लगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। क्या हाल है आप लोगों के? गैस ऑन कर लिए और मैंने प्याज भी दो दरमियाने प्याज हैं ये काट लिए। अब इसमें ऑयल डालती हूँ। आज मैं बना रही हूँ चार गोश्त। प्याज हल्का सा ब्राउन हो जाए जब तक हम कुछ और काम कर लेते हैं। मैंने एक बोल ले लिया। अब इसमें अचार को मसाला डाल लेती हूँ एक चम्मच। मसाला थोड़ा तेज़ है, मुझे भी खांसी लग गई। अब इसमें ये लेमन डाल देती हूँ। लेमन आप कम ज़्यादा इसलिए कर सकते हैं, किसी लेमन में ज़्यादा जूस होते हैं और किसी में कम। आप अपने मसाले के हिसाब से एक लेमन भी डाल सकते हैं, डेढ़ भी डाल सकते हैं, आधा भी डाल सकते हैं। आप अपने हिसाब से लेमन कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे और फिर मैं देख लेती हूँ कि और लेमन डलता है या नहीं। आधा मैंने डाला है, आधा मैं और डालूँगी। देखिए अब काफ़ी है। मिर्चें काट लेते हैं। देखें बड़ी बड़ी मिर्चें मैं अपने गमलों से तोड़ के लाई हूँ। इसमें काफ़ी जगह होती है मसाला भरने के लिए। थोड़ा बीज निकाल लेंगे। थोड़ी मोटी मिर्चों में ये मसाला अच्छा होता है कि इसमें अच्छे से मसाला भर जाता है। मसाला भर लेती हूँ ये इस तरह। अब गुस्से से बंद कर देंगे। अब मैं सारों में इस तरह मसाला भर के तो रख दूँगी बंद करके इस तरह। देखिए प्याज हल्का सा ब्राउन हो गया। अब इसमें इन गोश्त डाल देती हूँ। फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे। इसको 5 मिनट के लिए मैं भून के एक गिलास पानी डाल के इसको मैं बंद कर लूँगी। फिर आगे में जो क्या डालूँगी फिर वो भी आपको बताती हूँ। मैंने पानी डाल दिया। अब मैं इसका ढक्कन बंद कर दूँगी। 10 मिनट के लिए मैं सीटी लगा दूँगी। गोश्त अच्छे से हो जाएगा फिर मैं बाकी चीज़ें डालूँगी। मैंने कुकर खोल लिए। अब इस पर मसाले वगैरह डाल लेते हैं। पहले तो मैं ये 2-3 टमाटर हैं इनका पेस्ट बनाया है फ्रीजर वाले, ये डाल दूँगी। अब इसमें मसाले डालते हैं। ये 4 गोश्त मसाला पहले डालूँगी मैं 1 चम्मच और आधी चम्मच 1.5 चम्मच ये मैंने डाल दिए। नमक डाल दूंगी छोटी सी हल्दी कलर के लिए और कलर के लिए मैं लाल मिर्च डालूंगी।
अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसको मैं 5 से 10 मिनट अच्छे से भूनूंगी, ये मसाला भी जज़्ब हो जाएगा, कलर भी आ जाएगा। ये जो मैंने मिर्ची पार के रखी है ये अब हम लोग डाल लें। देखें तैयार हो गया, अच्छे से कलर आया माशाल्लाह, और ग्रेवी बहुत अच्छी बनी है। अब इस पर ये डाल लेते हैं मिर्ची डाल दी। अब मैं गैस बिल्कुल हल्का कर दूंगी तकरीबन 2 मिनट के लिए, और ये हल्की आंच पे ये देखेंगे माशाल्लाह जबरदस्त कलर अपना करें बस बनाए। आप लोगों ने ज़रूर बनाना और मुझे बताना है आपको कैसे लगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। एक लाइक तो आप लोगों का बनता ही है, शेयर करना भी बनता है और कमेंट्स भी बनते हैं। ये आप लोगों का प्यार है हमारे लिए। झटपट बन जाने वाला चार गोश्त